कई बार कहावतों में सुना है कि लालच बुरी बला है, किंतु असल में भी ऐसे मामलों से अवगत होते हुए इन कहावतों की सच्चाई बयां होती है। ऐसा ही एक मामला राणा प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत उजागर हुआ है, जहां लगभग 5 महीनों से स्पा की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। जरूरतें इंसान को हर कदम मजबूर कर देती है, जहाँ हम सोचने समझने की शक्ति भी खो बैठते हैं, लेकिन उससे खतरनाक है लालच का कीड़ा। जब यह कीड़ा डसता है तो इंसान लज्जा और इज्जत को दर पर टांगते हुए हर काम करने लगता है। ऐसा ही एक मामला राणा प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत उजागर हुआ है, जहाँ लगभग 5 महीनों से स्पा की आड़ में देह व्यापार चल रहा था। दरअसल राणा प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले पटोले चौक में एक लोटस स्पा नाम से स्पा पार्लर है, जहाँ पिछले 5 महीनों से ग्राहकों की आवाजाही लगी हुई थी। इसी बीच सामाजिक सुरक्षा विभाग को यहां अवैध देह व्यापार चलने की सूचना मिली, जिसके संज्ञान पर कार्यवाही करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी 25 वर्षीय जैताला निवासी मोहम्मद अल्ताफ अंसारी उर्फ तुषार मेहता एवं स्नेहा सौदकर उर्फ आशा पाटिल, साथ ही 21 वर्षीय ईश्वर घोरपड़े को गिरफ्तार किया गया है। जब खोजबीन के दौरान पता चला कि 5 महीने पूर्व एक 30 वर्षीय महिला ने जॉब की चाहत में जस्ट डायल पे खोजबीन की, जहां उसे लोटस स्पा में वैकेंसी होने की बात पता चली, जिसके आधार पर उसने लोटस स्पा में नौकरी शुरू की। लेकिन कुछ दिनों बाद मैनेजर ने उसे अधिक पैसे कमाने का लालच दिया और उसे देह व्यापार के लिए प्रवृत्त किया। वैसे ही अन्य दो पीड़िताएं, जहां एक की उम्र 30 तो वही दूसरे की 23 बताई जा रही है, उन्हें भी इस अवैध व्यापार में खींचा गया। लेकिन जब इस बात की सूचना सामाजिक सुरक्षा विभाग को मिली तो पुलिस ने योजना बनाते हुए इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया, जहां फंडर ने 2000 में सौदा किया। इस बीच पूरे गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा गया है और आगे की जांच राणा प्रताप नगर पुलिस करी है। आम्हाला काही दिवसापासून एक माहिती मिळालेली होती की पडोळे चौकाच्या दरम्यान, स्वावलंबी नगर आणि पडोळे चौकाच्या दरम्यान एका अपार्टमेंटमध्ये 4th फ्लोअरवर लोटस स्पा नावाचं स्पा आणि मसाज कॉर्नर आहे। तिथे स्पाच्या नावाखाली पेशा व्यवसाय चालतो। ती माहिती आम्हाला मिळाल्यानंतर आम्ही त्याची खात्री केली आणि त्यानुसार तिथे काल संध्याकाळच्या दरम्यान आम्ही कारवाई केलेली आहे। त्यामध्ये 3 आरोपी, म्हणजे एक पुरुष आरोपी आणि एक महिला आरोपी, जे की पार्टनर आहेत त्या लोटस स्पाच्या, ते चालवतात आणि त्यांच्यासोबत त्यांचा मॅनेजर असा, ते तिघ म्हणून तो व्यवसाय करत असल्याचे लक्षात आले आणि तिथे 3 पीडिता आम्हाला मिळालेले आहेत। यातल्या ज्या पीडिता आहेत त्यांना पैशाची गरज होती, तर त्यांनी जस्ट डायल मध्ये डायल केलेलं होतं, त्यांना स्पाचं माहिती मिळाली। त्याच्यामध्ये त्यांना सांगण्यात आलं की मसाज काही खूप महत्वाची बाब नाही आहे, पण इथे बऱ्याच प्रमाणामध्ये पैसे मिळतात आणि त्यांना हळूहळू करून त्या संदर्भामध्ये व्यवस्थित माहिती देऊन त्यांना त्यामध्ये प्रलोभन देऊन ओढण्यात आलेलं आहे। आणि हे स्पा साधारण 5 महिन्यापासून सुरू आहे। आणि अटक आरोपींचं नाव आहे एक मोहम्मद अल्ताफ अब्दुल सत्तार अन्सारी म्हणून आहे, पण तो मार्केटमध्ये किंवा तिथे त्यांच्याकडे येणाऱ्या ग्राहकांमध्ये पण तुषार मेहता म्हणून त्याला ओळखण्यात येतं। एक आशा अशोक पाटील म्हणून आहे, त्यांचे पण 1-2 नावं पुढे आलेले आहेत। आणि एक ते जे मॅनेजर मी बोललेले, तर ते आहेत ईश्वर सुधीरराव घोरपडे। या तिन्ही आरोपीचा पूर्व गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।